अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो रेसिपीज़ यू लाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिना ओवन के नान खटाई बनाने के लिए हम पहले यहाँ लेंगे एक कप घी। जब ये घी मेल्टेड फॉर्म में था तब हमने इसका एक कप मेजर कर लिया था। इसके साथ ही हम मिलाएंगे 1/3 कप कैस्टर्ड शुगर यानी चीनी का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए अब ये कितना सॉफ्ट हो गया है। इसके साथ अब हम मिलाएंगे 1/2 कप सूजी का और साथ ही हम मिलाएंगे 2.5 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर का। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप दही, साथ ही हम मिलाएंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का और मिलाएंगे 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम एक नरम आटा गूंद लेंगे और इस आटे को हम ढक कर रख लेंगे करीब 1/2 घंटे के लिए। अब क्योंकि यहाँ हम नान खटाई बिना किसी ओवन के बना रहे हैं इसलिए हमें कोई भी मोटे तले वाला बर्तन लेंगे, उसमें हम करीब 1/2 किलो नमक डाल देंगे। आप रेत का भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह फैला देंगे सारे बर्तन में और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे धीमी आंच पर करीब 15 मिनट के लिए। यहाँ से हम एक बेकिंग डिश को ग्रीस करने के बाद गूंदे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेकिंग डिश पर रख देंगे एक दूसरे से थोड़े से गैप में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और सुझाव भी देना ना भूलें। कुछ इस तरह इनको रखने के बाद हम इस पर किसी भी चीज़ से डिज़ाइन बना लेंगे। हम तो यहाँ चाकू से इस पर हल्की हल्की लाइनें बना रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। हमारा यहाँ नमक गर्म हो गया है, अब हम इस पर कोई भी किस्म का छोटा या बड़ा स्टैंड रख लेंगे और उसके ऊपर हम ये बेकिंग ट्रे रखेंगे ताकि हमारा बेकिंग ट्रे नमक के कांटेक्ट में ना आए। इसे ढककर 10 से 15 मिनट लो हीट पर बेक करने के बाद हमारे नान खटाई तैयार हैं। देखिए नान खटाई दोनों तरफ अच्छी तरह सिक गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अगर आप इन्हें रेगुलर ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक इन्हें बेक करके भी आप बना सकते हैं। बस बेक करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले कम टाइम से शुरू कीजिए यानी पहले 10 मिनट से हम शुरू करेंगे क्योंकि हर एक ओवन और गैस की हीट थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर 10 मिनट में नहीं बना तो हम टाइम बढ़ा देंगे और 5 मिनट। और हाँ, आपको अभी अगर बनानी है सैंडविचेस तो क्लिक कीजिए इस लिंक पर जो आ रहा है आपके वीडियो स्क्रीन के ऊपर दाहिने ओर। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में, तब तक खुश रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।